डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ और कुछ टर्म है। लास्ट वीडियो में हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने लेवलिंग, डेटम सरफेस लाइन, रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क के बारे में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम स्टेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अगर चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग पॉज करते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेशन क्या होता है? इन लेवलिंग, स्टेशन इज पॉइंट वेयर द लेवल रोड और स्टेप इज सेट अप और हेल्प, बट नॉट द पॉइंट वेयर द लेवल इज सेट अप। स्टेशन कुछ नहीं है, जैसे आप सब सर्वे करेंगे, हमने आगे जब बढ़ते जाएंगे ये पॉइंट और क्लियर होगा। जैसे कोई भी हम मशीन सेट करते हैं, सर्वे करते हैं, तो स्टेप पकड़ के हम कोई नया पॉइंट एक सेट कर लेते हैं, उसका आरएल वगैरह डिटेल भर लेते हैं, वही होता है स्टेशन। और आप मार्क करके रखते हैं, जाइए स्टेशन है बोल के उसका डिटेल पता रहता है, वही है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थोड़ा जानने की चीज़ है। फॉर एनी सेटअप ऑफ द लेवल, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और हाइट ऑफ लाइन साइड फॉर एनी एज्यूम डेटम इज नोन एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट डज नॉट मीन दैट हाइट ऑफ टेलीस्कोप। इसमें लिखा है, देखिए जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, ये मीन सी लेवल का लाइन है, मीन सी लेवल। और ये हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंट, लेवल इंस्ट्रूमेंट, और ये स्टन है। तो ये जो मैम है, हमने बोला था बेंच मार्क है, ये इसमें कुछ लिखा रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मीन सी लेवल से हाइट लिखा रहता है। इसमें कुछ भी लिखा रह सकता है, 100 भी रख सकता है, 200 भी रह सकता है, जो उस पॉइंट का बेंच मार्क होगा वही लिखा रहेगा इसमें। तो उसके बाद जो हम मशीन सेटअप करते हैं, इसमें लेवलिंग करके, सेंटरिंग करके मशीन सेटअप करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम इसको ऊपर लेते हैं, नॉन आरएल को ऊपर लेते हैं। ये स्टाफ है, स्टाफ है, स्टाफ लिखा है, तो स्टाफ के ऊपर लेते हैं। तो मशीन से हम डायरेक्ट सीधा इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें जो पॉइंट आएगा, मान के चले 1 मीटर आया, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मीन सी लेवल से इस पॉइंट का हाइट होगा, पहले मान के चलिए इस पॉइंट का हाइट है 100 मीटर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 100 प्लस इसका जो हाइट होगा 1, तो 101 मीटर, ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यही लिखा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें बीएम और आरएल, बीएम और आरएल ऑफ द पॉइंट्स और आरएल ऑफ द चेंज पॉइंट और बैक प्लस बैक साइड ऑफ द रीडिंग। मतलब इसमें क्या है, ये बीएम का आरएल, बीएम का आरएल, इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीएम का आरएल लिया, इसमें प्लस बीएम का आरएल लिया, प्लस ये स्टेप का रीडिंग बैक साइड लिया, बैक साइड रीडिंग लिया, इसके ऊपर जो ये रखा, तो ये इसको बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, तो बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग इसका आया। तो यही है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और ये भी हो सकता है बीएम की जगह क्या होता है, और आरएल ऑफ सेंस पॉइंट, सेल्स पॉइंट का आरएल भी होता है और बैक साइड का भी होता है। तो बैक साइड क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवल हैज बीन परफेक्टली डन, दिस रीडिंग इज ऑलवेज टेकन एज नॉन आरएल। मेंशन कुछ नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नॉन आरएल के ऊपर, बेंचमार्क के ऊपर, इसी को बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। मतलब फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवलिंग हैज बीन परफेक्टली डन। लेवलिंग करने के बाद हमने जो फर्स्ट रीडिंग इसमें लिया, इसको ही बेंच, इसको ही बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग को बैक साइड, मतलब नॉन आरएल के ऊपर, नॉन आरएल के ऊपर, जो आरएल होता है नॉन आरएल के ऊपर हम लेते हैं, इसको हम बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। और कुछ नहीं इसमें ज्यादा कुछ, नेक्स्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझाएंगे तो आप लोग और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ साइट, इंटरमीडिएट साइट, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग बुकिंग ऑफ आरएल देखेंगे, और एक प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे जिसमें रीडिंग दे रखा होगा, कहाँ कितना स्टेप रीडिंग लिया चेंज पॉइंट के साथ, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल में नया आए तो दोबारा बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। तब तक लिए थैंक यू।